की शुरुआत करने से पहले देश दुनिया की खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं, जहां आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दिन है। एक महीने चले प्रचार के बाद अब आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं। नेताओं की वार पलटवार, गाली गलौज और वादों की भरमार, रोड शो, रैलियां, भाषणबाजियों के बाद आज बारी कर्नाटक की जनता की है। जब कर्नाटक की जनता अपना मत देगी, जो कि मत पेटियों में बंद हो जाएगा, ईवीएम में बंद हो जाएगा, कर्नाटक के 5,31,00,000 वोटर्स आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 2,615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, 2 घंटे का समय अभी तक बीत चुका है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में बीजेपी 38 सालों का मिथक तोड़ पाएगी, क्योंकि कर्नाटक में 1985 के बाद कोई भी पार्टी लगातार सत्ता में नहीं रही है। तो क्या बीजेपी लगातार दोबारा सत्ता में वापसी कर इतिहास रचेगी, या फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो जाएगी? कर्नाटक में किसे बजरंग बली का आशीर्वाद मिलेगा, ये देखना होगा। 13 तारीख को जरूर नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिर कर्नाटक की जनता किसको सर्वे सर्वा मानती है, किसको इस बार मौका देती है। बीजेपी क्या यहाँ पर मिथक तोड़ पाती है, फिर एक बार फिर कांग्रेस की वापसी यहाँ पर हो पाती है। तो बजरंग बली के भरोसे सब यहाँ चल रहे हैं। अब बजरंग बली का आशीर्वाद किसको मिलता है जनता के साथ साथ, ये जरूर देखना होगा। तो सुबह 7 बजे से वोट हो रही है, 224 सीटों पर यह मतदान किया जा रहा है और 5,31,00,000 वोटर्स है। कर्नाटक के 2,613 उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में उतरे हुए हैं, जिनके लिए वोट कास्ट किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव ये, और कर्नाटक में किसकी जीत होती है इस पर निगाहें बनी हुई हैं।